जौनपुर की धरती से महाराष्ट्र में आए हैं और महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर भारतीयों को आज का क्या संदेश होगा आपका? देखिए, उत्तर भारतीय और विशेष करके जौनपुर के, महाराष्ट्र मुंबई में हमारे बहुत से भाई रहते हैं और ये जब भी एक आवाज देते हैं मैं तुरंत भाग के आता हूँ, क्योंकि इतना प्यार ये लोग देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि अगर साधन न मिले तो पैदल आना होगा तो पैदल भी जाए। तो आने वाले समय में श्रीकांत दुबे जी की राजनीति में, थाना में हो या यूपी में, अहम भूमिका क्या होगी? अब अहम भूमिका ये देखिए पार्टी तय करेगी, ये तो मेहनत करें, पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपको विधायक बनाएगी कि सांसद बनाएगी कि पार्षद बनाएगी, ये इनके मेहनत के ऊपर है और ये मेहनती आदमी है, मेहनत कर भी रहे हैं। जैसा इनका मैंने लगन देखा है, जैसा इनका उत्साह देखा है, पहली बात तो इनको नाराज होते हुए अभी हमको तो ना कोई देखा होगा, ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। सर जैसे और चर्चा काम हुई है आपके सांसद बनने की, तो क्या टिकट जौनपुर से आपको लोकसभा लड़ाने की तैयारी हो रही है? देखिए पार्टी तय, इसके लिए हम नहीं, मांगने का अधिकार सबको है, मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, अगर पार्टी देगी तो लड़ेंगे, नहीं जिसको देगी पूरी ईमानदारी से उसके उसको लड़ाकर जिताएंगे, क्योंकि 2024 में एक बार फिर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। सर आखिरी सवाल होगा, पूरे उत्तर भारत में गंगा सफाई अभियान बड़े जोरों में हुआ, करोड़ों अरबों का घोटाला हुआ, लेकिन गोमती नदी सफाई अभियान के तहत जो फंड पास हुए, लेकिन आज गोमती नदी का जल दूध के समान माना जाता था, आज भी काला है, इसमें क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा, क्यों काम नहीं हो रहा है? नहीं, सफाई हो रही है, काम भी हो रहा है। आपने घोटाला शब्द यूज किया, मैं तो घोटाले के लिए नहीं कह सकता कहीं घोटाला हुआ है, काम हो रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है पर काम हो रहा है। ओके सर, आप जौनपुर का जो विकास होगा वो कैसा होगा? जौनपुर का तो वो विकास होगा कि कोई सोच नहीं सकता। मुझे 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था और वहां की लोकप्रिय जनता ने अच्छे वोटों से विधायक जिताकर विधायक बनाया था। मात्र 2.5 साल ही मुझे मौका मिला किराकत का विधानसभा, और 2.5 साल कोरोना काल में निपट गया, ये पूरे देश के लिए समस्या, लेकिन उसी 2.5 साल में ही मैंने करीब 950 करोड़ खर्च किए और जनता को आवश्यकता किस चीज की है वो चीज मैंने सरकार से कह के लाया। जैसे महिला डिग्री कॉलेज, आजकल लड़कियां हाई स्कूल के बाद कॉलेज दूसरा इंटर कॉलेज दूर होता है, तो बहुत से लोग हैं साधन नहीं है तो नहीं भेजते। मैंने महिला डिग्री कॉलेज बनाया, राजकीय इंटर कॉलेज बनाया, फायर स्टेशन बनाया जो जनता को जरूरत है, कृषि विज्ञान केंद्र मैंने बनाया जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरत की चीज है, सरकार से कहकर। अब क्या है, खेती अब वैज्ञानिक खेती होती है और सरकार हमारी तरह तरह की योजनाएं किसानों को दे रही है, उसका लाभ किसान ले रहे हैं, और सड़कों की तो मैंने जाल बिछाया। तो विकास के लिए सरकार सब करती है, करने वाला चाहिए, लाने वाला चाहिए। तो हमारे साथ श्रीकांत दुबे जी हैं। दुबे जी, आप थाना में बीजेपी सरकार को, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को आपने जीवित किया है। आपके जो चाचा जी थे वो रीढ़ की हड्डी माने जाते थे थाना जिले में भाजपा के। तो सर अभी आप लोग जो उनके, आप भतीजे हैं, आपके भाई हैं, ये लोग ने जो आज यहाँ काम कर रहे हैं थाना जिले में, बड़ी तेज गति से बीजेपी का प्रचार प्रसार हो रहा है। ऐसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आपने जीवित किया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी को कोई जीवित नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी अजेय है और उसमें हम लोग एक तिनका बन करके, एक पतवार बन करके काम कर रहे हैं। वो तो नाव है, वो पार करने वाली है। और जैसा सर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता होता है कि जैसे सागर में गोते खाना है, सपनों को पंख लगाना है, अब न कोई रोक पाएगा, मंजिल ही अपना ठिकाना है। तो हम लोग उस ध्येय को लेके चलते हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो ध्येय को लेके चलता है कि पीछे कभी मुड़के देखता नहीं, अपने काम में लगा रहता है, अपने काम को करता रहता है। आज जो है दशहरा और दीपावली स्नेह सम्मेलन है, इसमें क्या उद्देश्य था आपका कि इतने बड़े पैमाने बड़े लोगों को जोड़ा गया है? ऐसा है,
कि हमारे किराकत क्षेत्र के लोग कहते हैं कि पूर्व विधायक हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि आज के वर्तमान विधायक हैं। जो इनका कार्य है, कार्य की पद्धति है, लोगों को मिलने जुलने का जो इनकी शैली है, उसे देखते हुए ये कभी नहीं महसूस होता है कि ये पूर्व विधायक है। आज भी वर्तमान के जो विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, उनसे कई सौ गुना काम आप जो है पूर्व विधायक होते हुए कर रहे हैं। भले इनको निधि नहीं मिलती है, फिर भी मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से ला करके अपने क्षेत्र के विकास में इन्होंने जो परिश्रम किया है वो अभूतपूर्व है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जिसके वजह से हम किराकतवासी यह चाहते हैं कि अब ये हमारे क्षेत्र के मछलीसर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बने, पार्टी इनको टिकट दे, हम लोग उसी तन मन धन के साथ में इनका कार्य करें। जैसे लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिला के चल, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिला के चल, सफलताएं तेरी कदम चुमेगी आज नहीं तो कल। सर एक बड़ा सवाल उत्तर भारतीयों में बार बार उठ रहा है, आप उत्तर भारतीय नेता हैं, तो सर महानगर पालिका में उत्तर भारतीयों की भर्ती बंद हो गई है, इस पे आप क्या प्रयास करेंगे? अभी महानगर पालिकाओं में उत्तर भारतीयों की भर्ती कम हो गई है कि बंद हो गई है? ऐसा है कि बंद कहीं नहीं हुई है, जो विराम लगा हुआ है उसके ऊपर अब सबसे ज्यादा उत्तर भारतीय लोग जो है जब गांव से आते थे पढ़ लिख करके तो शिक्षक बनते थे, अब आज के दिन में हिंदी विद्यालय जो है बंद होने की कगार पे है, एकदम जो लोग जीर्ण अवस्था में हो गए हैं। तो जब विद्यालय में विद्यार्थी ही नहीं है तो शिक्षक कहाँ से? नमस्कार, मैं हूँ पवन पाठक, अखंड भूमि डिजिटल टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है दिनेश चौधरी जी, जो किराकत विधानसभा से पूर्व विधायक रह चुके हैं और मुंबई में आज उनका आगमन है। आज यहाँ भाजपा का एक इसने दीपावली सम्मेलन है जहाँ पे वो उपस्थित है। आज हम उनसे सवाल यह करते हैं, दो जौनपुर के जो अहम मुद्दे हैं उस पे हम सवाल करते हैं। चौधरी साहब, जौनपुर में अभी हाल में ही जैसे अयोध्या मंदिर के लिए भाजपा ने इतना कटस प्रयास किया, वैसे जौनपुर का एक अटाला मस्जिद का भी मामला हाल में ही उठा है, जो कि अटाला देवी के नाम से जाना जाता है और कोर्ट ने उसकी जांच के लिए आदेश भी दे दिए। देखिए, अभी ये मेरे संज्ञान में नहीं है, हालांकि उड़ती खबर आई है और जब तक कोर्ट का कुछ ऑथेंटिक जवाब नहीं आ जाता है उसके लिए कुछ कहना ठीक। क्या यह वास्तविक है कि जो अटाला मस्जिद है वही अटाला देवी का शीतला माता का मंदिर है? अब ये कुछ भी हो सकता है। जब बाबर जैसा आदमी 500 साल पहले अयोध्या मंदिर को तोड़ के राम जन्मभूमि को तोड़ के मस्जिद बना सकता है, तो उसके काल में तो इससे बहुत कुछ हुए। लेकिन धीरे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि धीरे धीरे जहां हमारे सनातन धर्म की, चाहे मंदिर हो चाहे ये मथुरा हो काशी हो, ये आप देख ही रहे हैं, जहां जहां भी हमारे पूर्वजों द्वारा मंदिर बनाए गए हैं और तोड़ के बाबर द्वारा मस्जिद बनाए गए हैं, निश्चित है हमारी सरकार, हमारे माननीय मोदी जी, हमारे माननीय योगी जी निश्चित उसको मंदिर बनाकर इस देश को सौंपेंगे। जौनपुर का नाम जो है जमदग्नि ऋषि के नाम से था और उसी हिसाब से जौनपुर पड़ा, तो फिर इसको बदली करने की क्या जरूरत पड़ रही है कि लोग इतनी आवाज उठा रहे हैं कि जौनपुर का नाम बदला जाए? देखिए, बाबर के भाई का नाम था जूना खान। बाबर जब आया था उसके भाई का नाम था जूना खान। पहले जमदग्निपुरम ही था जौनपुर का नाम, ये बाबर ने नाम बदला है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा हूं और मुझे आश्वासन भी मिला है, उस पर काम भी चल रहा है। पुरानी चीज को वापिस हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, पुरानी जो हमारी पूर्वजों के द्वारा नाम स्थापित किए गए थे ला रहे हैं, तो इसमें जमदग्निपुरम का भी नाम, इसके लिए मैं स्वतः, मेरे पास प्रमाण, मैं खुद लेटर लिखा हूं, उस पर कार्रवाई चल रही है और मुझे विश्वास है कि जमदग्निपुरम फिर से जौनपुर का नाम से जाना जाएगा। तो हमारे साथ है दिनेश चौधरी जी, पूर्व विधायक है और अभी हाल में ही घोषणा भी हो रही, चर्चा भी चल रही कि सांसद के लिए भी लड़ सकते हैं जौनपुर से। ऐसी अवस्था में आज हमारे साथ बेबाक तरीके से जो जवाब दिए है जौनपुर को एक गति देने के लिए, उसके नाम के लिए और वहां पे जो जो प्राचीन चीजें थी उसको सही ढंग से फिर से
वो हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए जो कोर्ट का आदेश हुआ है अटाला मस्जिद का, उस पर भी उन्होंने एक अपना सहमति जताई है कि इसकी जानकारी लेने के बाद फिर से वो योगी सरकार से उस अटाला मस्जिद को अटला देवी का नाम देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पीआरएसएस न्यूज अखंड भूमि के साथ पवन पाठक, कैमरामैन रवि बिंद।